ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। अथ श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमो अध्याय प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 11 श्लोक तक दोनों सेनाओं के प्रधान प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन, 12 से 19 श्लोक तक दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन, 20 से 27 श्लोक तक अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग, 28 से 47 श्लोक तक मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता स्नेह और शोक युक्त वचन कहे गए। धृतराष्ट्रोवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्त्वा माम का पांडवश्चैव किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र बोला, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यं उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चामूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता। इस पर संजय बोला, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीरवान पुरुजित कुंती भोजश्च शव्यश्च नरपुंगवः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीरवान सौभद्रौ द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान ब्रवीमिते। और प्राकर्मी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, यह सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको कहता हूं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितंजयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदित्तस्तथैव च अन्ये च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अप्राप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुद्मेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम ऐनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। और भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब ही निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजन्यन्य हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दधमौ प्रतापवान तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहिनन्त सा शबस्तुमुलो भवत। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उन दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के समान गरज कर शंख बजाया।
उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नृसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तथा श्वेतैर हियैर युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पाणवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतु। पांच जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा बृकोदरः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांच जन्य नामक शंख, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पिकौ काश्यश्च प्रमेशवासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्च पराजितः। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाला काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दधु पृथक पृथक सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाला सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः पवृते शस्त्र संवाते धनुर्दुम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाहमहीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मे अच्युत। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषि के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। यावदे तान रीक्षे हम योधु कामान अवस्थितान कैरम्या सह योधव्यम अस्मिन् रण समुद्गमे। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। यो तस्यमानान वेक्षे अहम् या एते यत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्ष्वः। और दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर् मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीषम द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्येतां संवेतान कुरु नीति। संजय बोला, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीषम और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। तत्रा पश्यत स्थितान पार्था पितृनत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा शसुरान स्वृदिश्चैव सेनयोरुभयोरपि। उसके उपरांत पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान बंधु नवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विशीदन निदमब्रवीत। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह अत्यंत करुणा से युक्त हुआ कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ यह बोला। अर्जुनोवाच दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सवम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मेरो महर्षश्च जायते। हे कृष्ण,
इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है। गांडीवम संरस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते नच शक्नो मैवस्थातुं भ्रमति च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विप्रीतानि केशव नच श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन विस्मित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी सामर्थ्य नहीं हूँ। और हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर् जीवितेन वा ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ता इमे अवस्थितः युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। और हे कृष्ण, मैं विजय को नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है? क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादिक इच्छित हैं, वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितरा पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान हन्तुम इच्छामि घनतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक राज्यस्य हेतो किं नु मही कृते। जो के गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और वैसे ही दादा मामा ससुर पोते साले तथा और भी संबंधी लोग हैं, इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीन लोग के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्याद जनार्दन पाप मेवा श्रेयदस्मान हत्वा ताना तताइना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आततायियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान नारहा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभो पहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम्। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए यह लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं। कथम नागे मस्माभि पापादस्मान् निवर्ततुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भिर्जनार्दन कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अविभक्तियुत। परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। अधर्मा विभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वाश्रणे जायते वरण संकरः संक्रो नरकायैव कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो येषां लुप्त पिण्डोदक्रियः। तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वाश्रणेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोक भी गिर जाते हैं। दोषई रेतई ही कुलघनानाम वर्ण संकर कारकई उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भक्ति इत्यनुशुश्रम। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहोवत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यदराज सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यता यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्य धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेम तरम भवेत। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं।
जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित ना सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे भी, तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय उवाच, ए मुक्तार्जुन संखे रथोपस्त उपाविष्ट विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। संजय बोला कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ओम तस्सदिति श्री मद्भगवद गीता सोपनेषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। हरिओम तस्सत हरिओम तस्सत हरिओम तस्सत।